Hello future officers not every news is relevant for your upsc preparation hi my name is rohit garcha and i am here to bring you the 25 years experience of abhimanyu ias which has given more than 2200 selections since 1999 this is a 7 minute current affair series called to the point zid se jeet tak hi everyone बच्चे, इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के साथ में इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंप्लॉयड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राइट right? तो जब भी कोई टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है जो कि खासकर हमारा गवर्नेंस के साथ में ओवरलैप करता है तो वो वाला टॉपिक हमारे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी टॉपिक्स के मुकाबले बोथ फॉर योर प्री एज वेल एज येन्स राइट और इंटरव्यू के अंदर भी हो सकता है कि आपको वो एक, एक बार को इधर को ले जाए बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू सर्व दास मास मेजोरिटी ऑफ दग्रीकल्चर के साथ में इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राइट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज दारथी पोर्टल सारथी स्टैंड फॉर सैंड बॉक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल ध्यान से देखिए सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस ये एक पोर्टल है राइट सैंडबॉक्स यानी कि एक जगह पे सैंडबॉक्स का मतलब यही होता है कि आप उसके अंदर एक चार दिवारी बना देते हो बीच में आप आप सब कुछ डाल सकते हो जिसमें जिसमें भी आप खेलना चाह रहे हो ना सैंडबॉक्स वो वाली चीज होती है पिट टाइप चीज है तो ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे आपको रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी चीजें वन स्टॉप सोल्यूशन पे मिल जाएंगी मेनली फोकस है वो जब हम सिक्योरिटी की भी बात करते हैं तो वो सिक्योरिटी वो कोई फिजिकल सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है वो अल्टीमेटली वो इंश्योरेंस की ही बात हो रही है राइट सिक्योरिटी ऑफ योर इनकम बेसिकली राइट किसने लॉन्च किया है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया सारथी पोर्टल साथ में एक और पोर्टल लॉन्च हुआ था कृषि रक्षक पोर्टल राइट right? सेम से ही है हमको एक ही बता होना चाहिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो सारथी पोर्टल के ऊपर आएगा ठीक है बच्चे इसलिए हम सारथी पोर्टल को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड उसके अलावा हमारे पास है एक लर्निंग मटीरियल सिस्टम जो कि होगा आपका अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ठीक है आइए इसको देखते हैं ये ऑलरेडी हमारे पास चल रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे पास क्रॉप इंश्योरेंस की और भी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं प्राइवेट कंपनीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं राइट तो हमने ये पर्टिकुलर सारथी पोर्टल जो है उससे कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं हुई है समझिए इस बात को ये पोर्टल टाइप के जितने भी पोर्टल होते हैं इस टाइप के जितने भी पोर्टल्स लॉन्च होते हैं राइट उसके अंदर में यही होता है कि वो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विसेज को आप तक पहुंचाने लायक कर देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये जोमेटो स्विगी है राइट जोमेटो और स्विगी आपको सिर्फ डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं खाना अभी भी वहीं बन रहा है जहां पहले बनता था राइट अभी भी उसका काम अलग से ही अभी भी आपको रेस्टोरेंट को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और वहां से काम करेंगे है ना जोमेटो इज अ पोर्टल जहां पर आप उसको एक्सेस कर सकते हो सेम इज विथ दिस केस कि सारथी इज ए पोर्टल जहां पर आप ऑलरेडी एक्सिस्टिंग बीमा फैसिलिटीज इंश्योरेंस फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकते हो वन स्टॉप सोल्यूशन है यह चीजें जो होती है बच्चे अबाउट इज गुड गवर्नेंस यहां पर आपको समझ में आता है कि दिस इज गुड गवर्नेंस कि आपने मिनिमम एक पोर्टल बना दिया जहां पर आपको सारी चीजें एक साथ में एक्सेस हो पा रही है right? <coughs> पार्ट है हाँ और एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा था कि सारथी पोर्टल हमारे पास एक और भी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का एक पोर्टल है राइट सारथी पोर्टल है भी बोलते हैं आई थिंक आपके जो ड्राइवर्स लाइसेंस होते हैं है ना उस उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाला पर्टिकुलर पोर्टल है इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है एक और पोर्टल है इनका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का तो वो परिवहन जहाँ पे आप अपनी आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और आपके जो आर सी वो वहाँ से आ जाती हैं तो उससे कंफ्यूज नहीं करना सेम नाम सेम स्पेलिंग के साथ में वो भी है, है ना पर दोनों की मिनिस्ट्री अलग है दोनों का काम अलग है पता नहीं क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आएगा पर आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर आते हैं इट एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फसल बीमा योजना टेलर फॉर फार्मर एंड रूरल पॉपुलशन ऑफ इंडिया इसके अलावा डिजिटाइज इंश्योरेंस मिलेगी इंटरफेस इसके अलावा सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म फॉर व्यूइंग परचेजिंग पहले बता रहा था कि प्रोडक्ट वही है बस उसके लिए एक पोर्टल बना दिया कि जहां पर आप इस पर्टिकुलर चीज को जो है आप चेक कर सकते हो यहां पर आप अवेल कर सकते हो राइट इसके अलावा प्लेटफॉर्म पे डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे तो, जब हम रूरल बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ फसल बीमा योजना नहीं है बच्चे है ना वो कृषि रक्षक पोर्टल है ना वो अलग से उसके लिए स्पेसिफिक है यहां पे एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस दैट यू वॉन्ट टू बाय रूरल एरिया के अंदर जो आपको मिलता है दो फेज के अंदर आपका मैटर्स Covering personal accident and hospital cash policies in the first phase. Second phase ke andar it will cover overall health, shop and home insurance, while tractor, trubular, livestock and non PMFBI insurance products are in the third phase. ठीक है जी उसके बाद में वही कर इंश्योरेंस और ये सब भी वहीं से सारथी पोर्टल से खरीद पाओगे, right? In in future है ना और including आपके non PMFBI फसल बीमा योजना जो इसके बाहर के हमारे प्रोडक्ट्स हैं इसको आप जब खरीद पाओगे दैट इज इन थर्ड फेज राइट तो तीन फेजिस के अंदर ये होगा है ना हो सकता है यूपीएससी पूछे हो सकता है ना पूछे इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है कोलेबोरेशन किसके साथ में करी है दैट इज यू यूएनडीपी इंडिया के साथ में ये पर्टिकुलर कोलेबोरेशन है सारथी पोर्टल इनके साथ में मिलके जो है वो बनाया गया है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी किसी भी एंगल से पूछ सकता है इसके अलावा हमारे पास में लर्निंग मटेरियल सिस्टम को जो मैं आपको स्कीम बता रहा था वो यही है कि इसके अंदर अगेन ये एक नॉलेज होल्डिंग चीज है ये राइट कि जहां पे आपके पास में नॉलेज एग्रीगेट करके एक जगह पे डाल कि दीजिए exactly करना क्या है लर्निंग मटेरियल सिस्टम अबाउट पी एम एफ बी आई एफ बीवाई मॉडिफाइड इंटरेस्ट सब स्कीम एम डबल आई एस एंड किसान क्रेडिट कार्ड इसके अंदर भी जो है ये पर्टिकुलर इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर वो भी होगी और ये किसने लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर

You will be getting three things: number one, weekly classes; number two, weekly PDFs of current affairs; number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se, zid tak. And if you are zidhi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.